हॉर्टी पंक्चर एक नया टेक्निक है हॉर्टी। हाँ चलो मैंगो में जाइए, कोकोनट में जाइए। हाँ मैंगो, हाँ मैंगो की बात। यहाँ फोटो कौन से है देखेंगे। ये देखो ये 8-10 दिन के पहले वाला मैंगो है। तुम्हारे बिल्कुल वही कंडीशन था। ये पेड़ का आम जून 20 के बाद पकता था। अभी इस बार उसको हॉर्टी पंक्चर किया हूँ। वो हॉर्टी पंक्चर करने के बाद ज़्यादा और जल्दी भी आम लगाया है। और अभी मार्च चलो है ना, अप्रैल 25-30 तक वो मार्केट में आएगा। Okay. 1000 रुपये डजन अभी। ठीक है। अभी अभी जो पेड़ जून 20 को पकने वाला था अपने कैरेक्टर से, उसको हमने पीछे लाया, पहले ले रहे हैं। वो हॉर्टी पंक्चर वही प्रयोग है। इसकी अभी एक नई बात बोलता हूँ। रुड़की के पास एक अंदर कोई किसान है, इनका 4000 आम के पेड़ है। कितने? 4000। पिछले जून में वो मुझे बुलाया था। उनको 5 पेड़ को मैं हॉर्टी पंक्चर करके, ठंडी सर्दी ज्यादा हो गई ना, इस बार सर्दी ज्यादा पड़ गई। इस सर्दी से आम के पेड़ पर फंगस आ गया। आम के पेड़ पर ज्यादा फंगस आ गया, तो हर पेड़ को 200 से 300 रुपया वो खर्चा करने वाला था, करना पड़ेगा उनको। कितने? 4000 पेड़ को कम से कम 2000 मानो, क्योंकि फंगस है, स्पॉट है, फोटोसिंथेसिस कम होता है, वो जाना चाहिए। तो कुछ भी दवा 200 रुपये का एक पेड़ के ऊपर वो खर्चा करने वाला है। लेकिन मैं जिस 5 पेड़ को हॉर्टी पंक्चर करके आया था, बिल्कुल उसको इसके ऊपर बिल्कुल फंगस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इतना वो नैनो टेक्नोलॉजी है नया। वो नैनो उसका थोड़ा फोटो दिखाओ मैंगो वाला। ये देखो पत्ते कितने साफ है, चौड़े भी हो गए हैं ऊपर से ऐसे सारे। ये मैंगो वाला है फॉइल सिल्क। पूरा ये निकालो ना, देखो पत्ते कितने हरे भरे है, बिल्कुल फंगस नहीं है। ये देखो कहीं पेड़ को आम जल्दी लगाया है, क्योंकि अप्रैल एंड में वो पकने वाला है। 1.5 महीना हमने पहला ले रहे हैं, पहले ले रहे हैं, क्योंकि वो रेट मिलता है। नेक्स्ट, तो कोई भी फल में, दूसरी बात, अनार हो, आम तो है, फल वाले पेड़ बोलो, तुम्हारा चीकू, चीकू की बात बोलता हूँ। चीकू वो एक्चुअली था कालीपत्ती। कालीपत्ती यानी छोटा और ऐसा लंबा रहता है। वो हॉर्टी पंक्चर करने के बाद क्रिकेट बॉल बन गया, डबल साइज और मीठा भी हो गया। नारियल का इसमें कोकोनट का निकालो, वो तुम्हारा टेक्निक बता देता हूँ। कोकोनट निकालो, कोकोनट। हाँ सिर्फ फोटो निकालते जाइए। ये देखो ये एक इतना बड़ा वायरस है कर्नाटक में, आंध्रा में, तमिलनाडु में। ये फल ऐसा छोटा भी होता है, गिरता भी है ज्यादा, और पानी कम होता है। ये इसका कैरेक्टर है फंगस का, वायरस का। वो ऐसा सांप निकलता है और फल भी ज्यादा होते हैं। इतना ही नहीं, पहले वाले जो नारियल में, पहले वाले नारियल में पानी नमकीन वाला था, ये हॉर्टी पंक्चर करने के बाद बिल्कुल गन्ने का जूस जैसा मीठा हो गया है। ये भी काम हो गया है। नेक्स्ट आगे जाइए। थोड़ा एक नया संशोधन है, नया टेक्नोलॉजी है। वो आपको, वो कोई भी फल की खेती में, तुम्हारा साइट्रस किन्नू है, संतरा है, किन्नू में या संतरा में एक मिट्टी में से सॉइल बॉर्न डिसीज आता है, पेड़ सूख जाता है।
वो भी नहीं सूखेगा हॉर्टी पंक्चर करने के बाद, और फल भी ज्यादा लगने वाला है, मीठा भी होने वाला है। ये कहीं देखो कितने फल है, बहुत बड़ा कर्नाटक में आंध्रा में बहुत बड़ा असर गिरा है वो फंगस वाला। तो इसी के ये देखो ये हॉर्टी पंक्चर मिट्टी से ऊपर पाँच चार पाँच फीट ऊपर वो एक छेद करना, दो इंच वाला कील लेना, आधा इंच वो छेद करके निकाल देना, इसमें वो दवा वाला कील जो मेडिकेटेड 9 एलिमेंट वाला है वो अंदर डालना, और चाहे तो आप वो कील मार सकते हैं या इसमें मिट्टी भर सकते हैं, क्या मिट्टी भर सकते क्या, या गोबर कुछ भी भर सकते हैं। पहले कील मारना है, आधा कील मार के निकालो। हाँ। जो मैं अभी दिखा देता हूँ मेडिकेटेड कील। हाँ, वो 9 एलिमेंट वाला है। अच्छा अच्छा। वो करने से वो अंदर घुसने से वो पिघल जाता है। ओके। और डिसीज रेजिस्टेंस पावर आता है, ठीक है, फसल के ऊपर। और फल ज्यादा होते हैं। एक मिनट, ये कितनी हाइट पे आपने किया? करीबन 8-10 फीट। हाँ, मेरे बेटे ऑनलाइन के नया है टेक्निक, थोड़ा समझाना भी चाहिए, ज्यादा काम नहीं है। लेकिन ये देखो एक डिब्बा रहता है, इसमें आयुर्वेदिक भस्म होता है, इसी भस्म में दो गोल्डन बुलेट, जैसा गोल्डन मंदिर है ना, सुवर्ण मंदिर, बिल्कुल कितना साइज है, साइज गेहूं इतना है। ये नैनो टेक्नोलॉजी है, ये पेड़ के लिए फल की खेती में एक नया नैनो टेक्नोलॉजी है। इसमें 9 एलिमेंट है, क्योंकि एक अच्छा पेड़ पैदा होने के लिए 16 प्रकार के एलिमेंट चाहिए, साइंस है। और 16 में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चार गैसेस हो गए बराबर। और ये चार गैस में कितने बच गए, 16 में चार जाने के बाद 12 में 9 है, जो बच गए एलिमेंट है वो भस्म है, आयुर्वेदिक ये भस्म है। ये गोबर के साथ मिट्टी में मिला दो और जड़ को दे दो। ओके। अपने इसको जड़ को तो वो और पानी दे दो। पानी देने के बाद वो क्या करेगा, मिट्टी में एब्सॉर्ब होगा और बॉडी में जो कील लगाया था वो भी पिघल जाएगा, वो ऊपर जाएगा। वो झाइलम में देना चाहिए पेड़ को। चीन में मैं 2012 को गया था, वो एक्यूपंक्चर टेक्नोलॉजी है वहाँ, 1100 पॉइंट है और 6 प्रकार के आधा इंच से 9 इंच वाले सुई है, वो बॉडी में ऐसे प्रिक करते हैं और निकलते हैं। मैं एक मेरे आंखों के सामने एक डेमो देखा था कोरियन डॉक्टर का एक्यूपंक्चर के ऊपर। एक महिला का ये हाथ उठा नहीं सकता था, ये नहीं उठता था, तो उन्होंने 9 इंच वाला सुई ली और यहाँ से कई जगह है, यहाँ से यहाँ तक पास किया और ऐसा ऐसा करके निकाला। पहली बार करके निकालने के बाद इतना हाथ उठ गया, दूसरी बार वो 9 इंच वाला दूसरी सुई ली और इसी पॉइंट को दोबारा प्रिक किया और वो सुई निकाल दिया। दोबारा उसको कह दिया, बहन जी अभी अभी खाना चालू करो, वो चालू किया। 20 साल तक वो हाथ नहीं उठ रहा था, वो इतना करने के बाद वो चालू हो गया। मैं इसी के ऊपर मुझे आश्चर्य लगा, चलो वो कुछ अच्छा टेक्निक है। तो चीन में 2012 में गया था, वहाँ एक्यूपंक्चर की सीडी लाया मैं, क्योंकि मेरे बड़े भाई एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट है, ज़्यादा ओरिजिनल जानकारी के लिए मैं वो एक सीडी ले रहा था। वो सीडी उनको दिया, इससे पहले मैं भी देखा
और दो महीने के बाद ऐसे ही सोचा पेड़ में मनुष्य में क्या फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ पेड़ ऐसा ही रहता है, मनुष्य इधर उधर घूमता है, ये बड़ा एक ही फर्क है, बाकी मनुष्य का खाना, मनुष्य का सोना, घूमना, ये जो चलता है ना, ये सारा पेड़ में है, पेड़ में है। तो समान मामले होने के नाते मैं जो मनुष्य के लिए जो 6 एलिमेंट वाला टेक्नोलॉजी है इनका सुई का, वो इसको मैंने कन्वर्ट किया और वो 9 एलिमेंट का बुलेट बनवाया, क्योंकि नया साइंस क्या कहता है 16 एलिमेंट चाहिए, 4 तो गैस हो गए, 12 महीने वो बुलेट, एक 9 का बुलेट बनवाया, बॉडी में इंसर्ट करना और वो पाउडर जड़ को देना, जड़ को देना, कोई कीट रोग बाधा होती नहीं, फल भी ज्यादा और 1 महीना पहला लगता है कोई भी फल की खेती में, कोई भी फल की खेती में। ये कीट आम ही है जो मार्केट में मिलता है, बाहर कहीं नहीं है, ऑनलाइन मार्केटिंग है। मैं अभी आपको एक थोड़ा प्रयोग करके करने के लिए ये मान लो एक पेड़ है, ये स्टेम है ऐसा मानो, पहला ऐसा एक 2 इंच वाला कील ले लो, 1/2 इंच इसको मारो, निकालो और वो मेडिकेटेड कील लगाओ अंदर, और इसी के ऊपर वो दूसरा कील से वो और एक बार अंदर लगा दो, ये रहने दो या निकाल दो, निकाल दिया तो इसमें गोबर या मिट्टी भरना है इसी छेद में, नहीं तो इसको ऐसा ही लगा के छोड़ दो ऐसा ही, तो वो मेडिकेटेड कील अंदर झाइलम पोर्शन में जाएगा, पिघलेगा, ये परिणाम आपको 2-3 महीने के बाद देखने को मिलेगा। ये एक टेक्निक हो गया। आजकल बहुत सारे किसान मैंने एक नया टेक्निक इसमें कन्वर्ट किया, ये जो कील है वो मेडिकेटेड है, पाउडर भी मेडिकेटेड है, आयुर्वेदिक पाउडर इस डिब्बे में, आप क्या करें 100 लीटर पानी में गोबर सही नहीं गोमूत्र 5-10 लीटर गोमूत्र और 100 लीटर पानी एक टंकी में, दूसरे एक टंकी में 8-10 लीटर छाछ दूसरे टंकी में और उसमें भी 100 लीटर पानी, आप अदल बदल इसमें ये 5-5 बुलेट कौन से ये दवा वाले बुलेट है ना, इस टंकी में 5-5 बुलेट डाल के रखो, एक 2 दिन के बाद उसको हम खिलाते हैं, उसी से में वो पिघलेगा, क्योंकि छाछ भी एक एसिड है, गोमूत्र भी एक एसिड है, इसमें वो पिघलेगा और नैनो पोर्शन में, और उसको आपने अपने कोई भी सब्जी पर, कोई भी फसल पर, कोई भी ऐसे पेड़ के ऊपर इसका छिड़काव किया, तो ये जो नैनो टेक्नोलॉजी से सारे एलिमेंट पत्ती के माध्यम से उसको वो एलिमेंट मिलेगा, पौधा तगड़ा बनेगा, फल या सब्जी ज़्यादा भी बनेगा और मीठा भी होगा। ये 5-5 बुलेट एक एक डिब्बे में, एक एक टंकी में डाल के रखो, वो करीबन करीबन 3 से 5 साल चलने वाला है। वो पाउडर भी डालना है डिब्बे में, जो पाउडर है वो भी डालना है, और वो 5-5 बुलेट एक एक कैन में। कितने दिन के लिए? नहीं, आप एक बार डालने के बाद 15 दिन के बाद इसका प्रयोग शुरुआत करो, और वो नीचे ही रहने वाले है, 3 से 5 साल वो बुलेट रहेगा वही। पानी डालते रहो? हाँ, पानी छाछ डालते रहो, पानी डालते रहो, गोमूत्र डालते रहो, 2 टंकी अलग अलग रहेगा ना, कोई भी फसल पर, कोई भी सब्जी पर, दोनों मिक्स करके डालना, कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि एलिमेंट एक ही है, यही मूल चीज है। लस्सी खराब नहीं हो जाता 15 दिन के बाद? हाँ, छाछ जिसको बोल रहे हैं, हाँ हाँ, क्या होता है, खराब होता है? 100 लीटर 15 लीटर लस्सी हाँ, वो प्रमाण भी रहता है ना थोड़ा, लेकिन इसमें एलिमेंट सिर्फ छाछ सिर्फ गोमूत्र आप छिड़क रहे थे, इसमें वो नॉन एलिमेंट था, वो एलिमेंट वाला हो गया तो पौधा तगड़ा भी बनता है और फल भी ज्यादा देता है। उसको कितना क्वांटिटी डालते हैं?
15 लीटर पानी के लिए 1 लीटर, 15 लीटर के लिए 1 लीटर, ये जो दवा वाला ये है ना कील वाला, ये छाछ भी हो या गोमूत्र हो, कोई भी एक या दोनों भी, दोनों में से 1 लीटर लेना है? नहीं, आधा आधा लीटर, दोनों हो तो आधा आधा, लेकिन कील इसमें पिघलने से आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट उपलब्ध होगा, फसल भी अच्छा आएगा, खासकर सब्जी के ऊपर या गेहूं के ऊपर या चारे के ऊपर खास। मैं और एक बड़ी जानकारी देता हूँ, घास के ऊपर ये एलिमेंट वाला पानी छिड़काव किया तो गाय भी खाएगी, बछड़ी भी खाएगी और इसकी तबीयत अच्छी होगी। इसकी तबीयत किसकी? गाय की, भैंस की भी तबीयत अच्छी होगी, क्योंकि उसको न्यूट्रिटिव, डॉक्टर साहब बोलते हैं ना इनको आयरन डिफिशियंसी है, इनको कैल्शियम डिफिशियंसी है, डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, ये डिफिशियंसी होने से रोग होते हैं। मूल साइंस क्या है? नो टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करेंगे। वाटर कितने का है जी? ये 5 का पैकेट है, 250 रुपए। हाँ, 5 का पैकेट है, 250 रुपए का। 3-5 साल के लिए इस्तेमाल करना है। और जो लिक्विड बना है, हाँ, ये कितने दिन के बाद डालना है? पंद्रह दिन के बाद वो तैयार हो गया। वो मान लो आप अभी 6 महीने इस्तेमाल नहीं करोगे, जितना पुराना होगा उतना मेडिकेटेड होगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब है एक फसल पर एक बार डालना है या एक बार डालना, दो बार, तीन बार, कितनी बार? नहीं नहीं, फसल के ऊपर स्प्रे करना है तो कम से कम 2 बार, कोई भी फसल, यानी 4 महीने का फसल रैंडम, 4 महीने का फसल मानो या सब्जी मानो, 2 बार कम से कम ये स्प्रे हो गया तो बहुत बढ़िया इफेक्ट मिलता है। ठीक है, जो एक दिन किया, दस दिन करीबन करीबन 25-30 दिन दोनों में बात खत्म, इतने में फसल आ जाता है। ठीक है, ये जो जो किसी ड्रम में डाला, हाँ, लीटर पानी में, हाँ, ये कितने 3 साल 5 साल कुछ 3-5 साल तक चलता रहेगा, चलता रहेगा। हाँ, उसमें पानी निकाल देंगे और डालते रहेंगे, और डालते रहेंगे, बस यही काम है। लेकिन गोमूत्र भी चाहिए, क्योंकि वो एसिड है, हाँ, वो उसको पिघलेगा, वो पानी में डाइल्यूट होकर आएगा। गौमूत्र भी चाहिए और जिसमें लस्सी डाली उसमें लस्सी भी चाहिए। हाँ, लस्सी भी चाहिए। हाँ, डीकंपोजर भी डाल सकते हैं? डीकंपोजर डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या हार्मफुल नहीं है, ये क्या ये नहीं है, केमिकल नहीं है, बैक्टीरिया को नहीं मारेगा। नहीं नहीं, कहने का मतलब डीकंपोजर के साथ भी ये चलेगा, आपको जहां जहां अनुकूलता करनी चाहिए वो कर सकते हैं, ये सरल विचार है। दूसरी बात, आपको अभी क्रॉप कैलेंडर में जाएंगे अभी, क्योंकि क्रॉप कैलेंडर वो दूसरा भी फोटो डाला है क्या इसमें? नहीं, हाँ, एक है हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ जैसे गुरुद्वार होते हैं वैसे कर्नाटक में मठ होते हैं, मठ होते हैं, मंदिर होते हैं, इनकी खेती रहती है बड़ी। एक सरल यानी 1.25 एकड़, यानी 1.5 बीघा, 1.5 बीघे में ये सारे फसल क्रॉप रोटेशन या क्रॉप कैलेंडर, 1.5 बीघा में उड़ीद, उड़द, हल्दी, प्याज, गन्ना और दोबारा हलद, 5 फसल लगाना है। 5 फसल लिया बड़े अंतर के ऊपर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ऐसा करने के बाद कुल मिलाकर पैसा मिला 851,000। अच्छा, ये क्रॉप पहले एक क्रॉप ली, फिर दूसरी ली, फिर तीसरी ली, एक के साथ एक, एक के साथ एक। अच्छा अच्छा, एक तो गन्ना बाद में आता है, पहले बस बिल्कुल यहीं से चालू करो। साथियों,
खेती मूल रूप से मिश्र खेती होनी चाहिए पहली बात, क्योंकि मिट्टी, रोशनी, हवा और मौसम इनके साथ हमें चलना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, नहीं मेरा मन है ऐसा करेंगे, ज्यादा पैदावार के लिए गेहूं ऐसे ही बोऊंगा, इसमें मुनाफा बिल्कुल नहीं। ये देखो, ये है मूंग, एक एकड़ में जो बीज बोते हैं हम ऐसे ही 3-4 किलो बोए हैं, वो दूर दूरी पर बो के रखा है, 3 फीट का चास है, लाइन टू लाइन 3 फीट नहीं वो चास निकला है। अच्छा। और इस दो लाइन के नीचे हल्दी और मूंग है, हल्दी और मूंग, और ये दो लाइन में जहां मैं खड़ा हूं सिर्फ मूंग है। अच्छा अच्छा ठीक है। ऐसे क्यों किया? नेक्स्ट। अच्छा, गन्ने की भी लाइन है? बाद में ओ गन्ने की बात आप बाद में समझो। ये देखो, मुझे खेती में मुनाफा होना चाहिए, बराबर। एक किराना दुकानदार सिर्फ चावल रखता है या सारे चीज रखता है? अरे भैया, इसमें ऐसा कैसा स्पेशलिस्ट हो ना, सिर्फ चावल रखकर मुनाफा होगा क्या? किराना दुकान में जैसे अनेक चीज होते हैं वैसे अपनी खेती होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। सही है। तो ये देखो, ये कहने का मतलब ये है, ये अल्प समय, ठीक है, अल्प मध्यम, ये 7 महीने वाला फसल है, ये 3 महीने वाला फसल है। ओके, ओके। आगे देखिए, आगे क्या होगा। ये देखो, वही खेत है और क्रॉप कैलेंडर, जिस दिन का फोटो है उसका डेट वहां लिखते हैं, बराबर। ये देखो, इसमें कौन सा अभी पक गया है? अल्पकालीन फसल पक गया, 80 दिन वाला पक गया। आगे देखो क्या हुआ। ये देखो, यहां सारा वो पकने के बाद उसको निकाल दिया, उसकी पत्ती गिर गई, ठीक है, हल्दी रह गया क्योंकि वो 7 महीने वाला है। लेकिन इस दो लाइन में सिर्फ मूंग था, दो लाइन में बीच में मूंग था, सिर्फ मूंग था, यहां मूंग और हल्दी, दोनों था, वहां के मूंग निकल गई, यहां के भी निकल गई, और अपने खेत में ऑर्गेनिक कार्बन कम है, ठीक है, अपने खेत में पहले ही कम है, फिर भी वो जो रोशनी है, ब्राइट लाइट, वो रोशनी से भी ऑक्सीडेशन रेट ज्यादा है, ठीक है। तो फिलअप करना, हाथ से देना या फसल पद्धति से देते रहना, ये हमारा मकसद है, विचार है। तो पैसा भी मिलना चाहिए, मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि मिट्टी में जो बैक्टीरिया है उनका कुपोषण हो रहा है, हाँ, उनको ओ आगे देखिए, पैसा भी चाहिए और खेती भी होनी चाहिए। तो इसी खेत में कौन से तारीख को आ गए हम? अभी अभी पहला कैलेंडर कौन सा था, डेट था उनका पीछे 90 अगस्त सितंबर वाला, वही खेत में ये देखो, यहां एक गहरा नाली निकाल दिया, यहां भी गहरा नाली निकाल दिया बैल से, और गन्ने की बुआई 2 फीट दूरी पर। ओके। और एक तारीख आपको क्या कहता है, कौन सा सीजन है? रबी वाला है ना, ठीक है, रबी सीजन बोलते हैं ना आप, रबी वाला। रबी के सीजन में हम क्या क्या बोते हैं, क्या बोने का संभव है, मेरे घर के लिए मिट्टी की उर्वरता बढ़ने के लिए, यहां प्याज, एक गन्ना, एक प्याज दो लाइन, और मैं और बोल रहा हूं, अरे मैं, मेरे इतना 1 एकड़ खेती है, मुझे चना भी चाहिए, गेहूं भी चाहिए, प्याज चाहिए, चना चाहिए, गेहूं चाहिए, और उसका प्रूनिंग, प्रूनिंग करने से ये सारे फसल मिलते हैं,
और हम एक्चुअली एक फोटो है नवंबर महीने का ये उगाने के तुरंत आगे देखो नेक्स्ट ये देखो कहीं प्याज के पौधे बचे हुए हैं वो मिट्टी को खाने के लिए बड़े बड़े हैं खाने के लिए मार्केटिंग के लिए पैसा भी चाहिए ना वो पहले मूंगी का पैसा आया था कितना वो भी 8 क्विंटल एक एकड़ में नहीं नहीं वो सोयाबीन का वो सेपरेट स्पेशल जो मूंगी होता है स्पेशल उड़द होता है उसका 18 क्विंटल ये तो मिक्स क्रॉपिंग का बोल रहा हूँ इंटरक्रॉपिंग का ये बाकी भी फसल है इनका पैसा देखो कितना बड़ा है बाद में सोचो यहाँ का चना गेहूं निकल गया घर के लिए और प्याज भी बड़ा बड़ा निकल दिया जो छोटे थे वही छोड़ दिया क्योंकि मिट्टी को भी खाना मिलना चाहिए और गन्ने का जो मेन शूट है 60 दिन के बाद इसका मेन शूट एक डोला एक आंख वाला 2 फीट दूरी पर है कितना 2 फीट दूरी पर एक आंख वाला और उसका 60 दिन के बाद नए दो किले दिखने के बाद पुराने वालों को हम मोड़ देते हैं मोड़ने से ज्यादा किले निकलते रहते हैं ये भी बाकी काम चलता रहता है आगे पीछे इतने में हल्दी पकती है वो हल्दी पक गई उसे वही गन्ना आगे चला गया वही गन्ना ये देखो कौन से तारीख में आ गए हम 10 में आ गए अगस्त में यानी पहला हल्दी का पैसा और ये दूसरा हल्दी का पैसा वो तो पहला हल्दी पक गया था सही है ना उसका पैसा कितना एक एकड़ में 15 क्विंटल सिर्फ हल्दी वो प्याज गेहूं चना वो छोड़ो वो घर के लिए ये बीच में 4 फुट पे है 9 फीट है ये 9 फीट है और यहाँ एक हल्की नाली है यहाँ भी एक हल्की नाली है गन्ने को पानी नहीं देते को पानी देना ही नहीं। आप लोग तुम्हारा भाकरा नानगल और गंगा नदी सिर्फ गन्ने सिर्फ गेहूं सिर्फ धान के लिए खाली कर रहे हो आपको कैसा मुनाफा होने वाला है और इससे भी पहले वो मिट्टी क्या बोल रही है मालिक को समझता नहीं क्योंकि एक ही फसल पानी पानी कर रहा है यहाँ हम गन्ने को पानी नहीं देते हल्दी को पानी देने के बाद वो नमी गहरा जाता है और गन्ने के जड़ वो नमी लेती है लेकिन जो गन्ने के अंदरूनी पत्तियां हरी पत्तियां है शक्कर या गुड़ ये बनाते हैं बीच सेंटर वाले नहीं ऊपर वाले बनाते नहीं क्योंकि तुम्हारा जो गन्ने का खेत है 2.5-3 फुट वाला है रोशनी ऐसी आती है ऐसी खली जाती है शक्कर गुड़ बनता नहीं रोशनी आती नहीं अच्छी तरह आती है इस्तेमाल नहीं होता ठीक है हम इस्तेमाल कर रहे हैं खासकर दक्षिण उत्तर दिशा में ये प्लॉट है सुबह इस तरफ रोशनी था दोपहर के बाद इस तरफ आता है कुल मिलाकर ये जो मैच्योर लीव्स है मैं दोबारा बोलता हूँ मैच्योर लीव्स यानी प्रौढ़ पत्तियां वो फोटोसिंथेसिस करके शक्कर या गुड़ बनाने का काम अंदर वाले पत्तियों में है आपका तो 2.5 फीट पर ये देखो पत्ती का कैनोपी देखो 4-4.5 फीट लंबा होने वाला है आप तो 2.5-3 फीट पर गन्ना लगा दिया तो ओवरलैपिंग होता है वहां रहती है कीट रोग बाधा होती है और वो पैदावार भी नहीं मिलता आप सिर्फ 2 लाइन गन्ने की लगाते हैं 4 फुट में हाँ में जो फसल 9 फीट में दूसरी फसल ठीक है क्योंकि गन्ना काटने के बाद पैसा मिलता है ऐसा भरोसा नहीं है मेरा गन्ने से पहले मेरे हाथ में मेरे जेब में कुछ पैसा होना चाहिए तो पहला हल्दी का पैसा दूसरा हल्दी पक गया बीच बीच में कहीं और भी फसल है
नेक्स्ट ये देखो मिर्च भी लगाया है, हाँ नेक्स्ट आगे जाइए जाइए आगे, ये देखो तिल है मकई है बाहर के जगह में, ठीक है, जो जो मेरे खाने के लायक है मेरे परिवार के लिए चाहिए वो लगाता रहता हूँ। आप कितने एकड़ में खेती कर रहे हैं वहाँ पे? मेरा तो 11 एकड़ है। आपका 11 एकड़ है। लेकिन मैं कर्नाटक स्टेट ऑर्गेनिक फार्मिंग कमिटी पर था, पूरा राज्य में हमने ये विचार दिया है, रोशनी पकड़ो, ये मॉडल अपनाया आपने। हाँ तो इसमें आपने 9 फीट बीच में छोड़कर 4 फीट गन्ना लगाया। हाँ ये पूरी पूरी यही चल रहा है अभी, 9 फीट नहीं 11 फीट पर चले गए आप, 11 4 फीट प्लस 11 मैं 9 फीट पर था। हाँ, किसान इसको एक्सपीरियंस इतना अच्छा आ गया। हाँ, नहीं 11 फीट पर जाएंगे, 4 फीट गन्ना और 11 फीट दो लाइन गन्ना और 11 फीट पे चले गए, 11 फीट से ज्यादा मुनाफा हो रहा है, 11 फीट पे ज्यादा मुनाफा। तो इसीलिए मित्रों कहने का मतलब यह है, ज्यादा रोशनी का मुनाफा आपको करना है, इंटरक्रॉप करने से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है और अपने जेब में भी थोड़ा ज्यादा गर्मी आती है, पैसा आना चाहिए ना। हम लोग क्या करते हैं, एक ही फसल लगाते हैं, पैसा नहीं, पैसा तुम्हारा हक का पैसा इसमें है, इंटरक्रॉप में है, और मिट्टी की उर्वरकता भी ज्यादा बनती है इसी माध्यम से। आप लोग बिना नमक वाला बिना मसाले वाला चावल बासुमती चावल अपने सामने रखा है, बिना नमक वाला खाओगे क्या? नहीं खाओगे। तो इनके लिए उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा मिश्रित खेती हो तो पैसा भी है और मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ती है। और खासकर और एक अलग बात बोलता हूं, हल्दी एक ऐसा फसल है मसालेदार, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, मैं इस हल्दी की पत्तियां काट कर गन्ने को खाने के लिए देता हूं, वो गन्ने को खाने के लिए देने के बाद क्या होता है, वो सड़ता है, हल्दी की पत्ती सड़ जाती है, हल्दी की पत्तियों में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो गन्ने में आता है। और आज मेरा गन्ना पिछले 3 साल से 150 रुपया किलो डायबिटीज के लिए स्पेशल जाता है, वो मेरा गुड़ नहीं है, मेरा औषधि गुड़ है, ऐसा बोलता हूं मैं। सारे किसान सिर्फ गन्ना बोते हैं ना, तो उनका गन्ना है उनका गुड़ है, मेरा औषधि गुड़ है, तो इसी कारण से वो 150 रुपये किलो जाता है। मैं भी किसान हूं, मैं भी थोड़ा दिमाग लगाने वाला होना चाहिए ना, पैसा चाहिए तो हल्दी का पैसा मिल गया, यानी आम का आम गुटली का दाम, ऐसा खेती होना चाहिए। तो मेरे मित्र कहाँ है, नहीं थोड़ा आगे जाइए, एक दूसरा भी, हाँ ये देखो, आजकल आप लोग काम करने में नहीं काम ज्यादा होता है, हाथ से करना मुश्किल है, हम भी आपके साथ है ना एडवांस, वो ट्रैक्टर से गन्ने का कुछ भी काम नहीं, 4-5 साल तो अपने आप आता है, क्योंकि इसको गन्ने की पत्ती इसको मल्चिंग करते हैं, गन्ने को पानी बिल्कुल देते नहीं, लेकिन उसको रोशनी जरूर चाहिए, थोड़ी नमी चाहिए, हल्दी के बाद 1.5-2 महीने के एरोग्रीन हरी खाद थोड़ा बदलाव चाहिए, जैसे हम महीने में या कहीं लोग हफ्ते में होटल में जाते हैं खाने के लिए, महीने में चेंज चाहिए नहीं चाहिए, हाँ वो खेत को भी चाहिए, तो हम एरोग्रीन करते हैं, या एक साल में 1.5 महीने वाला एक हरी खाद करते हैं, वो इनकॉर्पोरेट करते हैं, फिर इस हल्दी से बीज निकलते हैं पहले वाले, दोबारा यहां बोआई करते हैं, यहां एक नाली यहां एक नाली,
दो नाली, गन्ने को भी पानी हो गया 5 साल तक, हल्दी को भी हो गया, हल्दी ऐसे ट्रैक्टर से एक साथ निकलेंगे, और गुड़ हो गया दवा वाला, औषधि गुड़ होने से उसका भी पैसा मिलता है। ऐसे नए नए टेक्निक, नया खोज करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, करता रहना चाहिए। आगे जाइए, एक्चुअली क्या था बोलता हूं मैं, इसकी रियल हिस्ट्री बोलता हूं। आप इसको क्या बोलते हैं, प्लांटेशन के बाद लाम, रटून को क्या बोलते हैं, मोटा मोटा है, मोटा पंजाबी मोटा बोलते हैं, पंजाबी मोटा बोलते हैं, मोटा मोड्डा, हाँ दूसरा फसल वाला मोड्डा बोलते हैं, तीसरा लेते हैं क्या, उसको भी मोटा बोलते हैं, तीनवा मोटा। अभी अभी इतिहास देखो, एक किसान यहां भी गन्ना, यहां भी गन्ना, ये भी गन्ना, ये प्लांटेशन 3 एकड़ का खेत, मैं थोड़ा हिस्ट्री बता रहा हूं, 3 एकड़ में पूरा सारा गन्ना था 100%, 3-3 फीट वाला, कितना मिला 120 टन पहले प्लांटेशन को, और पहले दूसरा जो क्या बोलते मड्डा मोटा, दूसरा मोटा में 80 टन हो गया 3 एकड़ में, कितना 80 टन 3 एकड़ में। तो वो निकालने के मन अवस्था मानसिकता इनकी, और इतने में मेरा लेक्चर सुना, आप जैसे सुन रहे हो, और वो सुनने के बाद एक दिन फोन करके मेरे घर आया, देसाई साहब मैं अगले साल अपना जो क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉप कैलेंडर, वो मैं अडॉप्ट करूंगा, मुझे थोड़ा गाइडलाइन करो या कंसल्टेंसी दे दो, ठीक है मुझे थोड़ा इतिहास बता दो। तो 3 एकड़ गन्ना था पहले साल, 3 एकड़ में 120 टन निकला, कुछ थोड़ा बचा हुआ, मुनाफा ज्यादा हो नहीं हुआ। दूसरे साल जो पहला मोटा था, पहला लाम प्लांटेशन जाने के बाद, यहां भी गन्ना था ना सेंटर में, तो 80 टन मिला, वो नाराज हो गया था, मुझे मुनाफा नहीं मिला। तो इसी कारण से अपने कंसल्टेंसी में लेना चाहता हूं, तो मैंने उसको बोला मैं आपके खेत में ये पूरा मत मोड़ो, इसको मत निकालो, थोड़ा रखो, मैं आता हूं। मैं देखने के बाद पूरा खेत में क्या था, गन्ने की पत्ती थी, और गन्ने से तीसरा मोड़ा उगाया था, वही गन्ना है वो, लेकिन मैंने उसको तुरंत आपका रोटावेटर लाइए और एक दो लाइन गन्ना निकालो, ठीक है, पत्ती के साथ, वो सारा पत्ती में मिला दिया, इतना इतना बेड बन गया। ओके। इसमें इनका घर का गोबर था, और मेरा 3 एकड़ खेत था ना, तो 30 किलो मेरा जो बैक्टोफूट दिया, इसी के ऊपर छिटकाव कर दिया, और जहां हल्दी के बीज मिलता है वहीं से मैंने इनको बीज लाकर बुआई करने को बोला, और यहां एक नाली, यहां एक नाली, गन्ने को पानी भी देना नहीं, खरपतवार भी निकालना नहीं, क्योंकि वहां पत्ती मल्चिंग थी, वो अपने आप गन्ना बढ़ गया, हल्दी भी उगाए। और हुआ क्या, 3 एकड़ खेत में 2 लाइन गन्ने, 2 लाइन हल्दी, दो निकाल दिया था ना, तो कितना हो गया, 1.5 एकड़ गन्ना और 1.5 एकड़ हल्दी। हल्दी पकने के बाद गन्ने की कटाई चालू हो गई। हल्दी पहले नहीं निकली हमने, गन्ना काटने के बाद, यहां ट्रैक्टर चलाना चाहिए ना, तो गन्ना काटने के बाद यहां ट्रैक्टर लगा के पहले 3 एकड़ में प्लांटेशन गन्ना 120 टन यानी 40 टन पर एकड़ चला गया। रटून को क्या बोलते हैं, मोड़ा। यहां मोड़ा फसल दूसरा था, ठीक है, मोड़ा फसल था, वो 80 टन हो गया।
तीन एकड़ में, ठीक है। तो ऐसा मेरा लेक्चर सुनने के बाद वो मेरे यहाँ आया और मेरा कंसल्टेंसी लिया। कंसल्टेंसी लेने के बाद मैंने यहाँ मैं उसको प्रॉमिस किया जो कंडीशन है एट प्रेजेंट, यानी तीन एकड़ में 80 टन। हाँ, ये जो कंसल्टेंसी शब्द आपने बार बार इस्तेमाल किया, आप थोड़ा सा बता दीजिए कितना होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कंसल्टेंसी है, ये तरी फीस है। ओ ओ ओ ओ, एक मिनट सर जी। ओ फीस तार के कोई बंदा है, इन्हें मैं आपके खेत च बुलाऊंगा, ते अपने कोले ये बिना फीस का ही आते हैं, ते इस करके ओ हिसाब मांगते हैं। कहने का मतलब ये है, हम बहुत बार फोन के ऊपर ऐसा सलाह दिया था, वो करते नहीं क्योंकि उसको ठीक से समझ में नहीं आता। मुनाफा उनका होने वाला है बराबर, लेकिन वो ठीक से नहीं कब करता है, कुछ ब्रेक चाहिए हमारे हाथ। आप क्यों नहीं कर रहे, मेरा यानी मुझे पूछने का अधिकार होना चाहिए। मुझे वो अधिकार कब मिलेगा, ओ कंसल्टेंसी का मेरा फी दे दिया तो उसको मैं आपको पैदावार दे रहा हूं, लेकिन कब मिलेगा, करेक्ट करने के बाद, वो करने के बाद पैदावार मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन एक गांव में एक मॉडल खड़ा हो गया, एक गांव में कंपलसरी एक मॉडल खड़ा हो गया तो बाकी सारे बदलते हैं। मेरा दूसरा और कोई उद्देश्य नहीं है। 20-20 साल हम ना इसे मुफ्त में कहते थे, लेकिन किसी करता नहीं था। तो एक ब्रेक लगाने के बाद सारा गांव बदलने लगा, क्योंकि इनके कुछ डाउट्स है, कई प्रैक्टिकल में कई प्रॉब्लम्स है, वो हम खड़ा रह के एक बार सुलझा देते थे। तो समझने के बाद, सॉल्व होने के बाद वो खुश होता है, पैसा ज्यादा मिलता है। यही केस है। वो इसको ऐसा बोलने के बाद यहां भी गन्ना था, थर्ड रटून, सेकंड रटून को 80 टन हुआ था, थर्ड रटून को और भी कम होने वाला है ना। लेकिन चमत्कार देखो, यहां के दो लाइन गन्ना और यहां की पत्ती रोटावेटर से दोबारा चला दिया, इतना गोबर बन गया, इतना बेड बन गया, और इसी के ऊपर थोड़ा गोबर अपना गाय बैल भैंस का और मेरा बैक्टोफुट डाल दिया और हल्दी का बीज लगा दिया। और यहां का पानी का नाली गन्ने को पानी बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां मल्चिंग था गन्ने के पत्ती का। और ये हल्दी करीबन 8-9 महीने के बाद गन्ना काटने को आ गया, 9-10 महीने के बाद हल्दी भी पक गई बिल्कुल। तो गन्ना और शुगर फैक्ट्री को चला गया। शुरुआत होने के बाद उनको लगा गन्ना ज्यादा खत्म हो रहा है, लेकिन वेट ज्यादा आया था। यानी 3 एकड़ में 1.5 एकड़ गन्ना, 1.5 एकड़ हल्दी बराबर, लेकिन 1.5 एकड़ में गन्ना कितना पैदा हो गया, पहला गन्ना काट दिया, 1.5 एकड़ का गन्ना कितना हुआ होगा, अंदाजा करो। पहले वाला 120 प्लांटेशन, फर्स्ट रटून 80 टन, थर्ड कितना होगा, 400 से 300 क्विंटल, 80 टन। हाँ, 80 टन 3 एकड़ में डबल तो हो गया होगा, 60 टन तो होना चाहिए, डबल तो होगा, 160 होगा। वो 1.5 एकड़ का है ना, अभी हाँ, तो बोलो वो तो नहीं रहेगा, तो कितना होगा, 80 रहेगा, 160 थर्ड रटून,
जी जी ये थर्ड है ना, यहाँ के दो निकल गया, आधा निकल गया, आधा निकल गया, आधा रह गया, थर्ड रोटून 120 टन। थर्ड रोटून कितने एकड़ में? आधे एकड़ में, डेढ़ एकड़ में 120 टन, यानी एकड़ को कितना हुआ? 80 टन। पहले साल एक एकड़ में कितना हुआ था? 3 एकड़ में 80 टन। तीन एकड़ में 120 टन, दूसरे में 80 टन बोला, दूसरे में 80, तीसरे में, तीसरे के आधा में, आधा में 120 टन हो गया, यानी पहले वाला एक एकड़ को 40 टन हुआ था, 120 तीन एकड़ का, ये डबल हो गया, 80 टन हो गया। हाँ, ये देखो, फर्स्ट ईयर 200 टन तीन एकड़ बराबर, सेकंड ईयर 80 टन वही खेत तीन एकड़, अगले साल डेढ़ एकड़ में 120 टन। डेढ़ एकड़ में यानी एक एकड़ को 80 टन पर एकड़, यहां 40 टन पर एकड़ था, इसका दुगना हो गया क्या? नहीं। फिर हल्दी, ये डेढ़ एकड़ का है, इसी खेत का है ना, ये 38 टन 38 क्विंटल 38 क्विंटल इसी साल में 38 क्विंटल सूखा हुआ और 10,000 रुपया क्विंटल, कितना? 10,000 रुपये क्विंटल से 38 क्विंटल कितना पैसा हो गया? 3,80,000। ये हल्दी का हो गया, और 120 टन का उसी समय 2,000 रुपये टन था। अच्छा, 2,000 का, 2,000 2,000 टन का 120 टन का 2,40,000, एक कुल मिलाकर 3 एकड़ का हो गया 3,80,000। छ लाख बीस हजार। कहने का मतलब यहाँ तकनीक एक ही है, सन हार्वेस्टिंग, रोशनी और फसल प्रकार। यहाँ आप मकई या गेहूं या धान लगाने थे कितना पैसा होगा? ये रिच क्रॉप है, पैसा देने वाला श्रीमंत फसल है। और गन्ना भी देखो ना, एक एकड़ में 80 टन एवरेज मिला वो सूरज की रोशनी मिलने से। कहने का मतलब क्या है, पंजाब में हमारे से भी अच्छी मिट्टी है, आप भी लोग अच्छा डेयरिंग करने वाले हैं, सिर्फ आपको एक खेती विरासत यही काम कर रहा है, आपको हिम्मत दे रहा है। पता नहीं आपको नए नए टेक्निक क्या आएगा, वो खेती विरासत मिशन का यही प्रयास है, नया टेक्नोलॉजी लेकिन सस्टेनेबल, केमिकल वाला नहीं। आज तक आप पंजाब वाले नए नए जो और केमिकल फार्मिंग में तो वो बहुत कर चुके हैं, अभी आप अपनी ट्रेन टर्निंग पॉइंट पे है, जल्दी आप ऐसे ऐसे प्रयोग किए तो आप, क्योंकि आपकी मिट्टी और आपका हिम्मत वो बहुत अपना नसीब निकालेगा, बहुत अच्छा काम होने वाला है। ये एक खेती विरासत मिशन का
आपका गाइडलाइन करने का विचार है। हाँ तो ये हो गया, और क्या वो कील कैसा लगाएंगे वो दोबारा बोलता हूँ मैं, दोबारा बोलता हूँ। और आप ये कील आम कोई भी फल वाला पेड़, कोई भी फ्रूट वाला, कौन सा किन्नू है, संतरा है, आम है, तुम्हारे यहाँ कौन से होते हैं, लीची है, अमरूद है, हाँ उसको कीट रोग बाधा भी नहीं आएगी, फल भी ज्यादा होंगे दोनों। वो कैसे, मान लो पेड़ छोटा है, पेड़ छोटा है तो कील सिर्फ 1 इंच वाला, एक इंच वाला कील ले लो, इसको आधा एक करके निकालो, छेद करके मिट्टी के ऊपर करीब इस, मान लो इसको यहां से ब्रांचेस है कोई भी पेड़ को, तो ब्रांचेस के नीचे करना है, ज्यादा फायदा होता है। और एक कील लगा के निकालो, वो दवा वाला कील है वो पहले अंदर डालो दवा वाला, और दोबारा यही जो 1 इंच वाला छोटे पेड़ को वही कील दोबारा लगा दो, तो एक कील यहां अंदर आएगा दवा वाला, और ये निकालो, ये बुलेट यही डालो जो दवा वाला, और यही कील दोबारा इसको वही हथौड़ी से, हथौड़ा से ठोक दो, तो ये इसको झैलेम बोलते हैं, इस पोर्शन को, यहां से पानी और खाद ऊपर जाता है, पत्तियों में आता है, पत्तियों में आने के बाद प्रक्रिया वो सूरज की रोशनी पकड़ती है, और दोबारा ये बाहर का जो झैलेम, ये झैलेम है, ये फ्लोएम है, वो दोबारा यहां आके स्टॉक होता है एनर्जी, जो पत्तियों से जो रोशनी पकड़ती है पेड़, वो इसमें फ्लोएम में स्टॉक होता है, जब सीजन आएगा तब वो दोबारा बाहर आता है, तब तक ये जो कील पिघलता है, हमने जो दवा वाला कील दिया है आपको, वो यहां तक आएगा और वो कील यहीं रहेगा, और जो दूसरे डिब्बे में जो पाउडर है वो भी आयुर्वेदिक भस्म है, उसे क्या करें, पेड़ के बाहर 2 फीट दूरी पर ऐसा एक मिट्टी में 1 इंच वाला छेद कर लो, यानी मिट्टी निकालो 2 इंच गहरा, ये मिट्टी निकालो, और वो पाउडर और काउडंग स्लरी जो गोबर का पानी और घोल है, वो गोबर घोल में वो पाउडर मिलावट करके इस मिट्टी में 2 इंच अंदर यही डालो, और इसके ऊपर मिट्टी की मिट्टी ढक दो, और एक बार अच्छा पानी दे दो इसमें, इस रिंग में, तो पिघल जाएगा और वो ये यहां से नहीं हिलेगा, यही रहेगा 2-3 साल तक, निरंतर वो काम करता रहेगा, और ए बी कील 2-3 साल तक यही रहेगा, वो पिघलता रहेगा, और इस पत्ती को कील करने से पहले जिसको अनुकूल है लैब एनालिसिस में क्या करो, वो करीबन 100 ग्राम पत्ती लैब को दे दो, इस पत्ती में क्या है क्या नहीं हमें रिपोर्ट दे दो, बराबर। और एक कील करने के बाद 2-3 महीने के बाद दोबारा इसी पेड़ का कील किया हुआ तो उसको उसी लैब को यही पत्ती दे दो, और कुछ मत बोलो कील किया है नहीं किया है, आप मत बोलो, दोबारा रिपोर्ट मांगो 3 महीने के बाद, उस पत्तियों का रिपोर्ट आएगा, इस पेड़ में बहुत सारे कंटेंट्स है, फल ज्यादा लगने वाला है,
कोई कीट रोग बाधा नहीं आएगा, ऐसा उनकी उनकी तरफ से रिपोर्ट आना चाहिए, वो रिपोर्ट आएगा जैसा मैंने किया हूं। मैं ऐसा ही किया, कील से पहले भी पत्ती का रिपोर्ट लिया लैब एनालिसिस, कील करने के बाद ढाई तीन महीने के बाद उसको सिर्फ पत्ती दे के आया और रिपोर्ट मांगा। हाँ, इस पेड़ में सारे क्या न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, इसको कोई रोग नहीं आएगा, फल भी ज्यादा लगेगा, ऐसा इनका रिपोर्ट आया। तो यानी कन्फर्म होना चाहिए, कहने का मतलब क्या है, थोड़ा विश्वास होना चाहिए विज्ञान पर, ये सरल विज्ञान की बात है ना। ये 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 बात ये भी कन्फर्म करो, और ऐसे आप किसी ने ऐसा काम करने के बाद हमारा मेरा आपके पास फोन नंबर है, वेबसाइट है, या व्हाट्सएप वाला नंबर है, या गुरुप्रीत है, उसको ये रिपोर्ट करो, वो थोड़ा साइंटिफिक जाएंगे आगे, बराबर। मुझे लगता है आपने अच्छे से मेरा विचार और प्रैक्टिकल नॉलेज, सबसे पहले कम पानी ज्यादा रोशनी, ठीक है, खेती में मिक्स क्रॉपिंग, खरपतवार का कंट्रोल करने के लिए खासकर एक बार हरी खाद, हरी खाद और खरपतवार वो उगाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा रोटावेटर से। तो कहने का मतलब मिट्टी मजबूत करने के लिए ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने के सिवा, ठीक है, और मिक्स क्रॉपिंग करने के सिवा मिट्टी में बैक्टीरिया नहीं बढ़ेगी। पानी कम करो, क्योंकि मिट्टी में जो बैक्टीरिया है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऑर्गेनिक कार्बन नहीं मिल रहा, सिंपल बात है। तो ये करके आपको आगे जाना है, मिक्स क्रॉपिंग करने के बाद कोई रासायनिक खाद की और कीटनाशक की जरूरत नहीं। आने वाले समय में ऑर्गेनिक गुड्स जो होगा, गुड़ होगा, अनाज होगा, गेहूं होगा, चावल होगा या सब्जियां होगी, वो सब्जियों पर ये जो कील वाला, मैं एक टंकी में बोल देना, एक टंकी में, एक में छाछ, एक में गोमूत्र और पानी, दूसरे में छाछ और पानी, इसमें पांच पांच कील डालो और हिलाते रहो, और डिब्बे में जो थोड़ा पाउडर है वो पाउडर भी दोनों में थोड़ा थोड़ा डालो, और इसको जैसे आप गोबर घोल बनाते हैं उसको हिलाते रहो, वो अपने आप इस पानी में आएगा, इसका स्प्रे करके देखो। सब्जी में बेहतरीन, सब्जी में ज्यादा कीटनाशक इस्तेमाल हो रहा है, बहुत डेंजर है, लेकिन वो कीटनाशक क्यों छिड़कना पड़ता है, डिफिशियंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। साइंस क्या बोलता है, डिफिशियंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो देने की सुविधा बिल्कुल इतने छोटे रुपए में, ये देखो 250-200 रुपया एक दो एकड़ के लिए किया है और 3-4 साल के लिए। ये जो कील है ऐसा दो एक दो महीने में नहीं खत्म होगा, जो रासायनिक वाला खत्म होता है, और वो छिड़कने के बाद कौन खाएगा, हमें ही खाना पड़ेगा, जिसको बेचेंगे वो भी खाएगा, मान लो आपस वाला है। अच्छा विचार करो, अच्छा काम करो, यही नानक साहब का संदेश है, है, मैं ऐसा मानता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और खेती विरासत मिशन के साथ मैं भी हूं, खेती विरासत मिशन तुम्हारे साथ भी है, ये ऐसे बीच बीच में ऐसे नए प्रयोग भी, नए विचार भी देते रहेंगे। धन्यवाद, सत श्री अकाल।